नमस्कार। आज हम देख रहे हैं कैमरा टाइप्स। हिंदी में कैमरे के बारे में बहुत कम क्लासेस होती हैं, बहुत जानकारियाँ कम होती हैं। आज की क्लास का फोकस है कि कैमरा कितने प्रकार के होते हैं और स्टिल कैमरा, फिल्म कैमरा और वीडियो कैमरा में बेसिक क्या डिफरेंस होता है। अगर हम कैमरे को देखें तो कैमरा मानव आँखों का सीधा आपका रिफ्लेक्शन है, जहाँ पर जो भी बातें हम अपनी आँखों में महसूस करते हैं वही कैमरा भी बताता है, लेकिन उसके बताने के तरीके में अंतर है। स्टिल फोटोग्राफी की बात हो या फिल्म कैमरा की बात हो, वीडियो कैमरा, इन तीनों में जो अंतर है वो ये है। स्टिल फोटोग्राफी आपका किसी घटना का जो सिंगल शॉट या एक शॉट लेता है, या फिर उसे स्नैपशॉट भी कहते हैं, एक फ्रेम आपको दिखाई देता है। हालांकि आजकल बहुत अच्छे कैमरे आ गए हैं जहाँ पे 6 फ्रेम, 8 फ्रेम पर सेकेंड के हिसाब से भी स्टिल इमेजेस कैप्चर होती हैं, जहाँ पे मूवमेंट भी दिखाई देता है। लेकिन जो बेसिक अंतर था स्टिल कैमरा और फिल्म कैमरा और वीडियो कैमरा में, वो फ्रेम रेट का था। फ्रेम रेट के अलावा अगर हम देखें तो फिल्म कैमरा में 24 फ्रेम्स पर सेकेंड हम रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो कैमरा में हम 25 फ्रेम्स पर सेकेंड और 30 फ्रेम्स पर सेकेंड रिकॉर्ड करते हैं। तो जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं वो स्टिल इमेज होती है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें कि चाहे वो फिल्म कैमरा हो, चाहे वीडियो कैमरा हो, चाहे स्टिल फोटोग्राफी के लिए कैमरा हो, जो भी इमेज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इमेज स्टिल इमेज होती है। तो एक सवाल आता है कि हम मूवमेंट कैसे देखते हैं, हमें मोशन कैसे दिखाई देता है। इसके लिए हमें जानना होगा, एक साइंस का प्रश्न है और विज्ञान में इसे बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, जिसे हम परसिस्टेंस ऑफ विजन के नाम से जानते हैं। परसिस्टेंस ऑफ विजन, परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है? इसीलिए मैंने आपको मानव आंख के बारे में बताया कि मानव की जो आंखें हैं बहुत ही बहुमूल्य हैं। ईश्वर ने हमें एक ऐसा ऑर्गन दिया है जिसमें हम जो भी घटना हमारी आंखों के सामने होती है ना, हम सिर्फ उसे देखते हैं बल्कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, सेकेंड के 10वें हिस्से, 12वें हिस्से तक वो हमारी आंखों में रहता है। तो इसी आधार पे फिल्म कैमरा और वीडियो कैमरा बनाया गया है कि वीडियो कैमरा जो 25 फ्रेम पर सेकेंड या 30 फ्रेम पर सेकेंड में चलता है, और फिल्म कैमरा जो 24 फ्रेम पर सेकेंड में चलता है। जब हम 24 फ्रेम पर सेकेंड रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसको प्रोजेक्ट करते हैं, सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, तो हमारे जो भी बाह्य जगत की चीजें हैं उनको जब हम 24 फ्रेम पर सेकेंड पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको प्रोजेक्ट भी करते हैं, तो प्रोजेक्शन टेक्निक भी फिल्म के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमें ल्यूमियर ब्रदर्स और उनके द्वारा दिखाई गई फिल्मों को या उनके द्वारा दिखाई गई फिल्मों का आनंद तब तक नहीं मिलता जब तक प्रोजेक्शन का आविष्कार नहीं होता। नहीं तो आइंस्टाइन ने काइनेटोस्कोप का आविष्कार किया था, जिसमें एक बंद कमरे में आपको बॉक्स के सहारे फिल्मों को देखना था। अगर काइनेटोस्कोप सफल हो जाता और प्रोजेक्शन की तकनीक ना आती तो हमें फिल्म देखने का जो अनुभव है वो पूरी तरह से अलग होता। लेकिन यहीं पर ल्यूमियर ब्रदर्स ने जो अपनी फिल्में थी जिसे उन्होंने रिकॉर्ड किया था 1895 में, प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया। तो जो पहली बार उन्होंने फिल्म दिखाई उसका फ्रेम रेट आज के फ्रेम रेट की तरह नहीं था, वो 12 फ्रेम से ज्यादा था, तो 16 फ्रेम के करीब पर सेकेंड, 12 से 16 फ्रेम पर सेकेंड के हिसाब से उन्होंने विजुअल्स को रिकॉर्ड किया था। फिल्म लंबी नहीं होती थी इसलिए 1 मिनट की फिल्म या 2 मिनट की फिल्म बनती थी। इन सारी बाधाओं को सिनेमा जगत ने पार किया और आगे आकर
फिल्म की लंबाई अच्छी होती चली गई जिससे हम शॉट की लेंथ को बढ़ा पाए। इसके अलावा